वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुनीत। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग फ्रस्टम ऑफ ए कोन के बारे में, जो कि क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो कि एनसीईआरटी के मैथ्स के एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आज के इस वीडियो को समझने से। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रस्टम ऑफ ए कोन का जो फॉर्मूला है, स्लेंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, फ्रस्टम ऑफ ए कोन के वॉल्यूम, ये सारे फार्मूला कैसे ड्राइव होते हैं। जब इसके ड्राइव करने के तरीके को जब समझेंगे तो इससे क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही ड्राइव करके अलग से फार्मूला को फाइंड आउट करके सॉल्व किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में सारे फार्मूला फ्रस्टम ऑफ ए कोन के कैसे ड्राइव होते हैं। चलिए, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, जिसे हिंदी में हम लोग शंकु का छिन्नक के नाम से जानते हैं, ये शंकु का छिन्नक इसे हिंदी में बोलते हैं। तो आखिर ये होता कैसा है? एक्चुअली ये जैसे हम लोग के घर में बाल्टी वगैरह आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से नीचे से छोटा सा सर्कल और ऊपर से बड़ा सर्कल, ये बाल्टी है, यही है फ्रस्टम। और किसका? तो कोन का, यानी ये जो कोन है, कोन का ये कटा हुआ पार्ट, ये पार्ट को अगर काट दे तो बचा हुआ चीज ये जो होता है, ये होता है फ्रस्टम, बोले तो छिन्नक। तो इसमें जो ये कोन है, इस कोन का जो ये कटा हुआ पार्ट, तभी फ्रस्टम होगा। तो कटा हुआ पार्ट कैसा? ये पूरा कोन, फुल कोन में से ये ऊपर का पार्ट हटा दे तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हो गया फ्रस्टम। तो इसमें देखने वाली बात है कि नीचे में ये बड़ा सा एक सर्किल दिखेगा, ये नीचे का वाला सर्किल पार्ट है, और ये ऊपर में ये छोटा सर्किल दिख रहा है इस फ्रस्टम में। और इस फ्रस्टम में फिर दूसरा क्या दिख रहा है कि ये जो है ये वाला ये हाइट हो रहा है। तो इस हाइट को हम लोग फ्रस्टम में यहाँ पे स्मॉल एच से, हाइट से इंडिकेट कर लेते हैं, और ये जो रेडियस है ये बड़ा वाला कैपिटल आर, और ये छोटा रेडियस, इसको स्मॉल रेडियस के लिए स्मॉल आर, और इसके ये जो स्लेंट हाइट है ये तिरछा वाला, इस स्लेंट हाइट को स्मॉल एच। और देखा जाए तो ये तो आखिर कटा हुआ पार्ट है, ये पूरा जो पहले से ये यहाँ पे ये जो कोन था, इस कोन का ये कटा हुआ पार्ट है। तो अगर देखे ये फुल लेंथ में अगर कोन की बात करें, तो ये अगर पूरा ये कोन यहाँ से यहाँ तक का ये जो ऊंचाई है कोन का, ये तो पूरा बड़ा सा ऊंचाई है, तो इस बड़े वाली ऊंचाई को कैपिटल एच कर लेते हैं। उसी तरह ये अगर कोन है ये पूरा, ये कैपिटल एल कर लेंगे कि इसके स्लेंट हाइट कैपिटल में है, तो ये कैपिटल एच कैपिटल एल तो हो जाएंगे, लेकिन इस छोटे पार्ट का ये वाला ये जो हाइट है, इस केस में यहाँ पे ये जो हाइट दिख रहा है ये कितना बनेगा? ये तो वही है, ये जैसे कि पता है कि हमें ये बड़ा एच, ये नीचे से हम लोग ये जो नीचे से शुरू किए थे, ये पूरा कैपिटल एच है नीचे से लेके ऊपर तक, और इस कैपिटल एच में ये छोटा सा ये जो पार्ट है ये वाला, ये स्मॉल एच रखे हैं। तो अगर इस स्मॉल एच को यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एच को काट दें तो ये बचा हुआ ऊपर का पार्ट बचेगा, यानी कि ये पोर्शन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच करेंगे। सेम ये स्लेंट हाइट के लिए भी यही प्रॉपर्टी लागू होगा, हमारा यहाँ पे ये स्लेंट हाइट है तो कंप्लीट पूरा लंबा बड़ा सा है एल, तो इस बड़े एल में अगर हम यहाँ पे ये छोटा वाला पार्ट, ये छोटा एल को यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको काट देंगे, तो ये हमारा स्लेंट हाइट एल माइनस स्मॉल एल ये मिल जाएगा। तो इस तरह ये दो पार्ट कैपिटल एच माइनस स्मॉल, ये छोटे वाले कोन का हाइट निकलेगा, और कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल से ये छोटे वाले कोन का स्लेंट हाइट निकलेगा। इस तरह से ये कैलकुलेशन में हमें निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए इस पूरे का कर्व सरफेस को अगर निकालेंगे, इस पूरे का कर्व सरफेस में से ये छोटा वाला पार्ट को अगर काट के हटा देंगे तो ये ऊपर का निकलेगा। सिमिलरली यही चीज अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से करें कि ये पूरा का मालूम अगर है, ऊपर से नीचे तक हमें पूरा का फॉर्मूला पता है, तो इस पूरे फॉर्मूला में अगर हम इस ऊपर के ये छोटे वाले कोन के जो भी फॉर्मूला को माइनस कर दें तो बचा हुआ नीचे का फॉर्मूला ही निकलेगा। इसी कंसेप्ट पे ये सारे फॉर्मूला ड्राइव होते हैं। यहाँ एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं, ये जो फ्रस्टम है जो कलर पार्ट में है, इस फ्रस्टम का जो हाइट है, ये जो हाइट है ये स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रखे हैं यहाँ से यहाँ तक का, और
उसी तरह कैपिटल आर इसका ये सेंटर यहाँ है, सेंटर से ये रेडियस कैपिटल आर और ये छोटा वाला स्मॉल आर, ये हमारे फ्रस्टम के एच आर और स्मॉल आर और स्लेंट हाइट फ्रस्टम के स्मॉल एल। और जैसा कि हमने बताया कि पूरा अगर कोण में देखेंगे तो ये कंप्लीट कोण, तो ये कंप्लीट कोण का हाइट हमने कैपिटल एच, स्लेंट हाइट कैपिटल एल, और इस कोण का ये जो ऊपर का जो पार्ट है इस ऊपर के पार्ट को कैपिटल एच में से स्मॉल एच माइनस करने से ये वाला पार्ट हमें पता चल जाएगा, दिस पार्ट। तो ये किए तो यहाँ पे सारे नाम को रिप्रेजेंट करने से यहाँ पे ये जो कोण ओ बी सी है, हमने ये बड़े वाले कोण ऊपर ओ नीचे बी और यहाँ पे सी रखा है, ये बड़े वाले पार्ट का। इसी तरह ये बड़े वाले पार्ट के लिए जब कैपिटल एच का रिप्रेजेंट करना है तो ये कैपिटल एच कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये हमने बीच में ये जो सेंटर पे है ये पी और क्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो ओ से लेके क्यू तक की दूरी ये हमें एच कहला रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज आवर एच। और उसी तरह अब रेडियस की बारी है, कैपिटल आर तो क्यू से सी तक का रेडियस है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल आर से। सेम स्लेंट हाइट ये बड़ा वाला, यहाँ से अगर ओ से शुरू करें तो नीचे सी तक जाएगा, ये हमारा स्लेंट हाइट। तो इस तरफ अगर ये तिरछा है तो तिरछा तो हमारा ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है ओ से बी, इसलिए ये दोनों ओ बी हो या ओ सी, ये दोनों हमारा ये स्लेंट हाइट ही है। तो इस तरह हमने ये तीनों रिप्रेजेंट कर दिया। और जैसा जानते हैं कि ये एक कोण में से जब ये पार्ट को काट देंगे, ये ऊपर वाले पार्ट को इसको काट देंगे तो हमारा नीचे फ्रस्टम बन जाता है। तो ये ऊपर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर दिए हमने स्मॉल कोण के नाम पे, जो कि हमारा ओ ए डी के नाम से है। वो कैसे, ऊपर ओ या ए और डी ये स्मॉल कोण है, और इस स्मॉल कोण में ये जो हाइट है ओ पी, ओ पी जैसे हमने बताया था कैसे निकला, ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच से ये हमारा हाइट निकला, ये स्मॉल वाले, ये स्मॉल वाले कोण की बात कर रहे हैं। अब उसी तरह सेकेंड ये जो रेडियस है जो कि हमें पी डी, ये रहा पी एंड दिस इज डी, पी से डी स्मॉल आर है, ये हमने स्मॉल आर रिप्रेजेंट किया। सेम स्लेंट हाइट, ये छोटे वाले कोण का जो स्लेंट हाइट है जो यहाँ से लेके यहाँ तक मात्र ओ से डी तक की ही दूरी है, तो ओ से डी कैपिटल एल माइनस एल यही होगा, ये हमने सारा रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे तो अगला हम लोग स्लेंट हाइट सबसे पहले निकालते हैं, स्लेंट हाइट फ्रस्टम ऑफ ए कोण का जो कि यहाँ स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है, इसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे ये स्लेंट हाइट जो कि हमने एल से रिप्रेजेंट किया था, इसे अगर गौर से देखें, ये जो दिख रहा है यहाँ से ठीक एक परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे ड्रॉ करे, ठीक यहाँ पे सीधा सीधी, तो ये क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाला जो स्मॉल एल है और ये सेंटर से ये जो स्मॉल आर है वो यहाँ दिख रहा है, और ये सेंटर जो यहाँ पे ये जो सेंटर है, इस सेंटर से ये पूरा ये लंबा आर, ये कैपिटल यहाँ से लेके यहाँ तक आता है ये कैपिटल आर। तो इट मीन्स हमें राइट एंगल ट्रायंगल जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये पार्ट, इस पार्ट का कैलकुलेशन करने से ये स्लेंट हाइट आ जाएगा। और ये हमें पता है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं तो इसका ये जो हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ऐसे ही होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है और ये बेस स्क्वायर होता है प्लस में। तो यहाँ पे ये जो हाइट है, ये जो हाइट जितना ये होगा वही हाइट यहाँ पे ये होगा, ये सेम टू सेम होगा इक्वल टू। बट हमें जब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये छोटे वाले ट्रायंगल की, तो ये बड़े आर में से ये हमको स्मॉल आर, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये काट के हटाना पड़ेगा इतना आर, तो ये आर का साइज कितना है, ये स्मॉल आर की तरह है, यानी कि ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो रहा है, दिस पार्ट ओनली। तो इस तरह से यहाँ पे ये एच स्क्वायर, यहाँ पे ये स्मॉल एल दिख रहा है तो एल स्क्वायर हो गया, और पी स्क्वायर परपेंडिकुलर जो कि ये हाइट होना चाहिए जो कि एच स्क्वायर है, और बेस स्क्वायर, बेस जो कि हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पार्ट, छोटा सा पार्ट, ये पार्ट हमारा बेस है, तो ये बेस हमारा आर माइनस आर है और इस वाले का स्क्वायर है, दैट इज आवर स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो इस तरह हमारा ये पहला फॉर्मूला फाइंड आउट होता है। और जैसा कि यहाँ पे एल स्क्वायर
लेफ्ट साइड में है, तो ये एल अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो रूट अंडर में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूट अंडर में चला गया और अंदर का पार्ट एज इट इज रहेगा। इस तरह फाइनल हम लोग का स्लेंट हाइट का फॉर्मूला फ्रस्टम ऑफ कोन का आ गया। अब नेक्स्ट, अब स्लेंट हाइट के बाद अगला पार्ट ये आता है कि एक ट्रायंगल बनता है जो कि ओ क्यू सी, ये जो बड़े वाले कोन है ओ से लेके नीचे क्यू सी, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा कोन जो छोटा वाला ऊपर का ये जो छोटा ट्रायंगल है ओ पी डी, ये जो ट्रायंगल है ओ पी डी, इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम प्रोपोर्शन होते हैं। यही चीज है, इसे साफ तरीका से देखते हैं कैसे। देखिए ये हमारा छोटा वाला कोन था, ये ऊपर का ये छोटा वाला कोन है, तो ये हमारा बन गया ओपीडी का ये ट्रायंगल, और उसी तरह जब ये इसको अरेंज करते हैं तो ये बड़ा वाला कोन जो कि ऊपर से लेके नीचे तक ओ से क्यू और सी यहाँ तक का पूरा बन रहा है, तो ये हमारा ओ क्यू सी। तो जैसा कि पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बड़े वाले में, और ये छोटे वाले में भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये बड़े वाला ट्रायंगल जो कि ऊपर से ओ से, ये कॉमन इस छोटे वाले में भी ओ कॉमन है, यानी छोटे वाले का ये जो ऊपर का ये जो एंगल होगा जो भी, और तो ये ही एंगल हमारा यहाँ पे ये बड़े वाले में भी सेम हो जाता है, यानी कि दो एंगल दोनों ट्रायंगल के सेम हो रहे हैं, एक 90 डिग्री और एक दोनों ये कॉमन दोनों के, तो जब दोनों के दो कॉमन है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ये सेम होना ही है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, छोटा और बड़ा दोनों सिमिलर ट्रायंगल आ गया, और सिमिलर ट्रायंगल से हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोले तो ये छोटे वाले का अगर ये साइड है तो ये जो बड़े वाले का भी इसी तरह से ये वाला जो साइड होगा बड़े वाले के लिए इसके प्रोपोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग सेम, तो इसके सेम होंगे, यानी कि अगर ये ओपी है छोटे वाले का तो इसके जो प्रोपोर्शन बनेंगे छोटे के, ये अगर इसको परपेंडिकुलर माने तो बड़े के परपेंडिकुलर ओक्यू होने चाहिए, दैट इज ओक्यू। सिमिलरली दूसरा साइड, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो दूसरा साइड अगर उठाएंगे, जैसे अगर छोटे वाले का पीडी उठाए, क्योंकि ऊपर में हम लोग छोटा ले रहे हैं तो हमेशा ऊपर में छोटा ही ट्रायंगल का बात करेंगे, ट्रायंगल छोटा, तो ओपी जैसे लिए पीडी, इसके पीडी अगर ये बेस लेते हैं तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे दिखेंगे क्यूसी के बराबर, ये होते हैं इसके प्रॉपर्टी। और इसी तरह स्लेंट हाइट में, तो हमने छोटे से शुरू किया थे, अगर ओडी लेंगे ऊपर में ओडी लेंगे तो ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग पूरा नीचे ओसी तक ये सारे इक्वल होने चाहिए, ये सारे इक्वल होंगे। यही चीज को यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला फाइंड करने में इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारा OQ कहाँ दिख रहा है, हमारे बड़े वाले ट्रायंगल का, क्योंकि हमने पहले बड़े वाले OQC की बात की है, तो ये OQ यहाँ पे बड़ा वाला ले लिए OQ, और उसके बाद छोटा वाला, ये छोटा वाला अभी हमने लिया एग्जांपल में, छोटा वाला पहले ले लिए थे, इसको उलट के भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे उलट के ले लिए कि कोई डाउट ना हो कि छोटा ही पहले लेना जरूरी है, कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ट्रायंगल दोनों सिमिलर होने चाहिए, तो साइड कॉरस्पॉन्डिंग आपस के प्रोपोर्शनली सेम होते हैं, इसी चीज को यहाँ अरेंज कर दिए। तो इस तरह से OQ जो है OQ, उसको O से Q अगर देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, तो ये तो हमारा कैपिटल H है, इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज आवर कैपिटल H। उसी तरह डिवाइडेड, दिस इज OP, दैट इज OP, ये स्मॉल, तो OP को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले OP के लिए अगर लिखना है तो यहाँ लिखे हुए हैं कि कैपिटल H माइनस स्मॉल H, दैट इज OP। इसी तरह हमारा अगला पार्ट, यहाँ पे अगर OC की बात करें, ये OC हमारा ये कैपिटल L है, दैट इज आवर कैपिटल L, और उसी तरह OD कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे OD O से D, क्यों लेंगे OD, क्योंकि जैसा कि ये H कैपिटल लिए हैं बड़े वाले का, तो स्लेंट हाइट बड़े वाले का, तो उसी तरह ये जो H माइनस ये परपेंडिकुलर, तो इसी तरह ये स्लेंट हाइट छोटे वाले का, ये भी यही नीचे लेना होगा, जैसा है कॉरस्पॉन्डिंग सेम रखते हैं। उसी तरह ये हमारा
अब अगला आ गया QC, दैट इज आवर QC, कैपिटल R, क्योंकि सारा कैपिटल को पहले लिए हैं तो QC वाले को पहले लेंगे, दैट इज QC, बोले तो ये कैपिटल R। और PD सारे का छोटा वाला नीचे है तो PD यानी कि स्मॉल R। ये हमारा रिश्ता निकलता है सिमिलर ट्रायंगल होने के वजह से। ओके, अब सिमिलर ट्रायंगल होने के वजह से जब ये रिलेशन निकल रहा है तो हमारा मालूम है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये बड़े वाले कोण में छोटे वाले कोण माइनस करना है, ये वाले कोण को हटा देंगे तो हमारा नीचे का खली निकल जाएगा। अभी हम हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो कर्व एरिया निकालना है, तो सबसे पहले ये बड़ा वाला जो कोण है इसका कर्व सरफेस, ये गोल गोल जो कर्व होता है ये कर्व सरफेस, ये पूरा बड़ा वाला कोण का, तब हमें ये छोटे वाले कोण का जो कि मात्र यहाँ से यहाँ तक है ये वाले का कर्व सरफेस माइनस करने तो रिजल्ट आ जाएगा। तो यही चीज लिखते हैं, क्योंकि कर्व सरफेस को बड़े वाले में से भी छोटे वाले हटा देंगे तो बचा हुआ नीचे जो दिख रहा है यही सिर्फ बचेगा। यहाँ पे ये वाला कर्व सरफेस हटा देंगे छोटा वाला, ये बड़े वाले में से ये छोटे को काट देंगे, ये वाला पोर्शन कट गया तो सिर्फ ये बचा पार्ट यही रहेगा, यही लिखते हैं यहाँ पे। तो दिस इज आवर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए फर्स्ट टर्म। ये ऐसे है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोण ओ क्यू सी, ये बड़ा वाला ओ क्यू सी, ये बड़े वाले कोण का जो भी कर्व सरफेस है, जो हमें पता है उसका फॉर्मूला कैसे होता है कर्व सरफेस एरिया का, वो होता है हमारा पाई आर एल। तो ये कर्व सरफेस एरिया बड़े वाले का ये होगा पाई, तो बड़े वाले का पाई, तो बड़े वाले का आर, तो बड़े वाले का आर, और ये कैपिटल है तो ये बड़े वाले का कैपिटल बड़ा बड़ा वाला एल माइनस सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया छोटे वाले का, तो छोटे वाले का पाई तो वही रहेगा, छोटे वाले का आर स्मॉल आर है, लेकिन स्लेंट हाइट, इसमें जो एल हम लोग का स्लेंट हाइट होता है, इसका स्लेंट हाइट कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल है, दैट इज आवर कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, यही दे रखा है। तो यहाँ पे हमें हर बार जब भी फ्रस्टम का फॉर्मूला निकालना है तो हमेशा स्मॉल एल ही हम लोग को लाना है, तो घुमा फिरा के कैपिटल एल को हटाना यही हमारा मकसद है। तो यहाँ से कैपिटल एल और यहाँ से कैपिटल एल हटा देंगे तो हमारा रिजल्ट पॉइंट हो जाएगा। इस कैपिटल एल को कन्वर्ट करना है स्मॉल के लिए, तो ये कहाँ से आएगा, ये हम लोग का यहाँ से ये रिजल्ट आएगा यहाँ से। तो इसमें से हम कंपेयर करेंगे इस एल और इस कैपिटल आर के ये दोनों कॉम्बिनेशन को लेके, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये स्मॉल आर कैपिटल एल के साथ हो जाएगा तो ये एल आर हो जाएगा, और ये जो है कैपिटल एल माइनस ये आर के साथ हो जाएगा, दैट इज आवर कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। लेकिन हमारा टारगेट है कि ये कैपिटल एल का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ कैपिटल एल अगर चाहिए तो यहाँ दोनों तरफ कैपिटल एल दिख रहा है, तो सारे कैपिटल एल को एक तरफ लाना है, तो दैट इज आर, और ये वाला आर एल हो जाएगा, और ये माइनस कैपिटल आर, कैपिटल आर हमें रहना चाहिए फर्स्ट टर्म में, और स्मॉल एल ये भी फर्स्ट टर्म में है तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस माइनस वाले पार्ट को अगर हम ये लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्मॉल एल, ये वाला हमने लिया है लेफ्ट साइड में, और साथ में ये आर एल जो यहाँ रह गया है ये वाला एल आर इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा एल आर। दोनों का एल को अगर कॉमन निकाले तो ये रहा एल, और दिस इज आर माइनस आर। अब हमें चाहिए क्या था, ये कैपिटल एल, तो ये लेफ्ट साइड में कैपिटल आर और एल है जो कि फर्स्ट टर्म का ही ये पार्ट है तो इसे रहने देंगे, और ये आर माइनस स्मॉल आर ये लेफ्ट साइड में चल जाएगा, तो दैट इज आर एल डिवाइडेड दिस इज आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल एल। तो ये कैपिटल एल का फॉर्मूला हम फाइंड किए इस कॉम्बिनेशन से। ऐसे ही अगले बार कैपिटल एच भी इसी तरह एच और आर को कंपेयर करेंगे तो फाइंड हो जाएगा। तो ये एल का वैल्यू यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारा पाई कैपिटल आर एल हो गया, दैट इज माइनस दैट इज पाई आर कैपिटल एल, फिर से हो गया पाई आर कैपिटल एल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है पाई आर स्मॉल एल। तो स्मॉल आर एल अपना फ्रस्टम का ही है, तो सिर्फ हमें ये दोनों में से
एल कॉमन बाहर निकालना है। तो अगर ये दोनों में से एल देखेंगे तो यहाँ से पाई कैपिटल आर माइनस यहाँ से भी ये पाई ये स्मॉल आर एंड दोनों का एल यहाँ से बाहर, दैट इज पाई आर एल हो गया। अब फिर इसमें ये भी दिख रहा है कि दोनों में पाई है, दैट इज पाई, दैट इज आर माइनस आर ऐसे हो जाएगा। अब ये कैपिटल एल का फॉर्मूला जो हमने यहाँ फाइंड किया था इसको यहाँ से लेकर आते हैं, तो एल का वैल्यू होता है दैट इज आर एल डिवाइडेड आर माइनस आर। तो ये आर माइनस आर सेम टू सेम है तो ये दोनों ऊपर कट जाएंगे और बचे हुए पार्ट यहाँ पे पाई आर एल दिख रहे हैं। तो आगे इसका हो रहा है इस तरफ हमें बच गया पाई आर एल, दैट इज पाई कैपिटल आर स्मॉल एल प्लस पाई आर एल, इन दोनों में हमें पाई कॉमन दिख रहे हैं और एल भी कॉमन दिख रहे हैं, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया आंसर। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फर्स्ट टर्म, ये क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब पहले तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म जो था, इस फर्स्ट टर्म में एक्स्ट्रा ये जो सर्कल का पार्ट ऊपर है और ये जो सर्कल का पार्ट ये जो नीचे है ये दोनों ऐड हो रहा है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे टोटल निकल जाएगा। तो हमें क्या ऐड करना है, ऐड करना है ऊपर वाले सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई, और ऊपर वाला छोटा है स्मॉल आर और नीचे वाला बड़ा है तो कैपिटल आर, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, पहले नीचे वाले को जोड़ लेते हैं फिर पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले को, ये दोनों जुड़ गए, ये छोटे और बड़े हैं सिर्फ इन दोनों में पाई कॉमन। आगे का सॉल्यूशन ये है, यहाँ पे हमें दिख रहा है पाई एल आर कैपिटल वाला फिर स्मॉल वाला इस तरह से करके दिख रहा है, तो ये हमारा दैट इज अवर पाई एल आर प्लस आर, ये हो गया कर्व सरफेस वाला और ये हमारा पाई आर स्क्वायर इधर के लिए और फिर पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले के लिए, दैट्स ऑल, ये हमारा टोटल हो गया। अब लास्ट होता है हम लोग का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्ट टर्म। अब हमें वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्ट टर्म निकालने का भी वही टेक्निक अपनाना होगा कि ये बड़े वाले कोन का वॉल्यूम में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो जैसा कि बड़े वाले कोन का वॉल्यूम निकालना है तो पता है कि कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो बड़े वाले का आर कैपिटल है तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, बड़े वाले का जो हाइट है वो कैपिटल एच है तो एच हो जाएगा, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिमिलरली ये छोटे वाले, इस छोटे वाले कोण के लिए क्या लिखेंगे 1/3 पाई, तो वही रहेगा छोटे वाले का आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा। हाइट जो है छोटे वाले का ये हाइट कैपिटल एच माइनस एच है, ये हमारा कैपिटल एच में से स्मॉल एच माइनस है, और हमारा टारगेट क्या है फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम निकालना, यानी कि सब जगह से कैपिटल एच को हटाना है और स्मॉल एच लाना है। क्या करेंगे इस कैपिटल एच को हटाने के लिए, फिर यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे जैसे पहले किए थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं ये एच और आर बाय आर को कंपेयर करेंगे तो कैपिटल एच एंड स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर ब्रैकेट में एच माइनस स्मॉल एच। अब इस आर एच के साथ यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर और एच, ये कैपिटल आर और एच यहाँ पे हमारा राइट साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि कर्व सरफेस में यही सब काम कर रखे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि आर एच को हम यहाँ पे ला सकते हैं, ये प्लस वाला यहाँ माइनस हो जाएगा, दैट इज ये आर एच में से ये रह गया आर एच और ये माइनस में चला गया दैट इज एच आर, तो दोनों का एच को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ आर माइनस आर हो जाएगा और यहाँ पे आर और एच, ये स्मॉल एच है और ये कैपिटल आर है, ये हमारा फर्स्ट टर्म का है रहने देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी फर्स्ट टर्म का है रहने देंगे, ये कैपिटल एच हमारा फर्स्ट टर्म से बाहर का है तो इसे हटाना है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल एच का जो वैल्यू निकल के आ रहा है इसके वजह से ये दैट इज आर वाई एच डिवाइडेड कैपिटल आर माइनस आर, यही एच का वैल्यू हम सब यहाँ रखते चले जाएंगे और फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमने -1/3 पाई आर स्क्वायर एच को यहाँ से ब्रैकेट तोड़ दिया तो ये अंदर चला गया, ये वाला माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया,
अब यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सारे में से और कैपिटल एच ये सारे कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको हम निकाल सकते हैं, दैट इज 1/3, और ये पाई पाई दोनों में दिख रहे हैं और ये एच एच दोनों में दिख रहे हैं, तो ये कैपिटल एच निकल गया, और यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये दिख रहा है, और बच गया यहाँ पे 1/3, दैट इज पाई आर स्क्वायर और एच। अब ये जो कैपिटल एच है यही हमें बदलने का टारगेट है, और इसे जब बदलते हैं तो ये हो जाता है 1/3 पाई, और ये कैपिटल एच का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है, तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है दैट इज मल्टीपल ऊपर में कैपिटल आर स्मॉल एच और नीचे आर माइनस आर ये हो जाता है, और ये दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वही हो जा रहा है, आर आर माइनस आर हो जाएगा, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे ये दोनों कटता हुआ दिख रहा है दैट। और अब यहाँ पे अगला कैलकुलेशन का यहाँ ये ऐसा दिख रहा है, ये इसका कैलकुलेशन 1/3 पाई आर एच जो यहाँ बच गया है ये आर एच, ये मल्टीपल इन दोनों के साथ होगा, तो इन दोनों के साथ होने में पहला बार में ये आर आर स्क्वायर हो जाता है, और ये आर एच स्मॉल आर के साथ मल्टीपल होने से वो इस तरह बन किया गया 1/3 पाई आर स्मॉल आर एच। अगला पार्ट ये दिख रहा है कि सारे जगह 1/3 तीनों में है, पाई सभी में है, तो ये सारे को कॉमन अगर निकालते हैं तो क्या दिखेगा, वो ऐसा कि ये पाई दिख रहा है, एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारे जगह एच है, एच को निकाल दें तो यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि 1/3 पाई एच बाहर आ चुका है, उसी तरह 1/3 पाई एच बाहर आ चुका है, तो ये कैपिटल आर और आर यहाँ बच जाता है, कैपिटल आर एंड आर बच गया, बच गया फिर ये 1/3 एच बाहर है तो ये आर स्क्वायर ये बच गया, तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ, वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन ऑफ ए कॉलम। ये कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर को अगर चाहें तो एक जगह अरेंज करके लिख सकते हैं और देखने में अच्छा भी लगेगा, तो इस तरह से ये स्मॉल एच जो कि फ्रस्टम का ही ये हाइट है, तो ये हमारा कैपिटल आर फ्रस्टम का बेस वाला रेडियस प्लस स्मॉल आर फ्रस्टम का ऊपर वाला रेडियस प्लस बेस का रेडियस मल्टीपल ऊपर वाला रेडियस, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इस तरह फाइनली हमने वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम का फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये भी हम लोग देख लिए। तो आई होप आज के इस वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे स्लेंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन कैसे निकाले हैं, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, टोटल सरफेस उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ऊपर सर्किल और नीचे का सर्किल ऐड कर देंगे, लास्ट में वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इस तरह से हम लोग इसके फॉर्मूला ड्राइव किए। आई होप आप आज के वीडियो अच्छे तरह से सब फॉर्मूला ड्राइव करना सीख गए होंगे। सो इफ यू वांट टू बिकम स्ट्रांग इन मैथ तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज वॉच 3-4 वीडियो ऑफ दिस चैनल, देन आई एम श्योर डे बाई डे योर मैथ विल बी इम्प्रूव। रिमाइंड यू प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल टू योर फ्रेंड सो दैट ही कैन गेट ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस educational maths channel. Again, we are meeting to you next video. Till then, thank you.